बातें कर रहे थे और इन्होंने ना मुझे बोला तलाक ही तलाक ही तलाक है। शादी कर ली? हाँ, दूसरी शादी कर ली। कब कर ली आपको कम मालूम पड़ा? फिर है ना मेरे मैं अपने मेरे दोनों बच्चों को है ना मार दिया इन्होंने। उसके साथ एक लड़का आया था गुरु नाम का, वो कहता है प्यार मोहब्बत से तलाक ले लो, नहीं तो फिर हमें दूसरा रास्ता भी आता है। तो मैं आवाज़ तलाक क्या हुआ आपके साथ, क्यों आए आज आपको? मेरे साथ ये हुआ है कि ना उन्होंने पहले तो है ना मेरे पापा अपने इतने उससे शादी करी, कार वार जेवर वगैरह सब दिए। जब भी ये बोलते क्या दे दिया तुम्हारे माँ बाप ने, डब्बा दिया, और उसकी भी ना अभी तक कागज़ कुछ भी नहीं बने हुए, अभी तक उसके कागज़ भी नहीं बनवाए, सिर्फ बैठने का ही होता। और है ना फिर है ना मैं अपने दोनों बच्चों को है ना मार दिया इन्होंने। मैं रात रात रोती रहती थी, कभी भी ना आते नहीं थे रात में। और है ना लड़की ना मेरे ना होने वाली थी तो दिल्ली बैठे थे, मेरी जयपुर में डिलीवरी हो रही थी, इनको बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरी बीवी मरे, बच्चे मरे, कोई भी मरे। कब हुई थी आपकी शादी? 1 मार्च 2015। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं अजमेर की। आज क्या हुआ, तलाक वाला का कोई मामला? तलाक ये हुआ कि ना हम समझाइश के लिए बातें कर रहे थे और इन्होंने ना मुझे बोला तलाक है तलाक है तलाक है, मैं उस दूसरी लड़की को रखना चाहता हूँ और यहीं मारूंगा तेरे को अभी। आरोप लगाया आपने तो? हाँ। शादी का क्या है? वो है ना आर्य समाज से प्रूफ भी आपको दी ना फोटो, और आर्य समाज का सर्टिफिकेट भी है। तो दूसरी शादी कर ली? हाँ, दूसरी शादी कर ली। कब कर रही है आपको कम मालूम पड़ा? 2000 मेरे को 1 मार्च को मालूम चला था। शादी कब करी थी? 2017 को। आर्य समाज से। अब क्या चाह रही हूँ? मैं चाहती हूँ बस मुझे न्याय मिल जाए, ये चाहती हूँ। लड़की किस समाज से है? लड़की पता नहीं उसका कॉल गले वो लड़की। आपके पति का कहना है जो आपके हैं? पूजा आर्य नाम है उसका। आपके शोहर का कहना है कि उनने कोई दूसरी शादी नहीं करी, झूठी फोटो है और झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसे सर्टिफिकेट कैसे बना देगा क्या कोई पागल है क्या? उनको पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या जो ऐसे ही बना देगा? सच है जो हकीकत है उसको सामने भी नहीं ला रहे। उस लड़की का पता नहीं क्या कर दिया। मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं? हाँ, करा दिया हमने। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज कराया आपने? कौन से थाने में मुकदमा दर्ज कराया? अलवर गेट थाना। क्या मुकदमा दर्ज कराया? 3 तलाक। 3 तलाक का और दहेज का। ठीक है, नाम बताएं। नगमा मनो। वाइफ को लेने के लिए दिल्ली से आया था तो नो गया था, महिला थाने में बुलाया था मुझे। जाने के बाद मैं थाने में गया तो साहब ने बोला था कि जाके यहाँ बाहर दोनों आपस में बात कर लो। बात करते समय बात कर रहे तो सद्दाम नाम का जो मेरा साला है उसके साथ एक लड़का आया था गुरु नाम का, वो कहता है प्यार मोहब्बत से तलाक ले लो, नहीं तो फिर हमें दूसरा रास्ता भी आता है। तो मैं भाई तलाक क्यों लूँ, मैं तलाक लेना नहीं चाहता। तो कहता नहीं तलाक तो लेना पड़ेगा, नहीं तो तुझे दिल जाएगा तो दिल्ली रास्ते में देख लूँगा तुझे मैं। बोले रास्ते में गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, मेरा नाम है गुरु नाम है, थाने पूछ ले जाके बदमाश हूँ मैं। अभी आरोप लगा रही है आप पर के 3 तलाक। मैंने बोला ही नहीं है आप पे, ये आरोप लगा रही है कि आपने धर्म परिवर्तन करके मैंने कुछ शादी नहीं करी है। वो जो लड़की थी वो भी मेरे साले की दोस्त थी, मैंने कुछ शादी नहीं करी ना कुछ ने, मैं तो रखना चाहता हूँ। इन्होंने फोटोज और सर्टिफिकेट भी बताया जनाब, वो मेरा कुछ नहीं है, वो सब पता नहीं कहाँ से बनाया, हमें नहीं पता कहाँ से बनाया हो। मैं तो उसे अभी भी रखने के लिए तैयार हूँ, मैं तो उसे बोल रहा हूँ चलो मेरे साथ। रहने वाले हो? कब हुई थी शादी आपकी? दिल्ली का रहने वाला हूँ, 2015 में शादी हुई थी। अब क्या चाह रहे हो आप? मैं रखना चाहता हूँ उसे। नाम बताओ। नाम सद्दाम है मेरा।